आपके सामने लेके हाजिर हूँ और एक नया गिटार का रिव्यू लेकर। यह गिटार है वॉल्ट ईयर 20। ये बहुत ही रिकमेंडेड गिटार है क्योंकि ये गिटार 4000 के अंदर आता है और 4000 में ये गिटार एक बहुत ही वैल्यूएबल गिटार माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इस गिटार का क्वालिटी कैसा है और ये इस प्राइस रेंज में क्या वर्थ करता है। तो चलिए देख लेते हैं गिटार का क्वालिटी कैसा है और फुल रिव्यू करते हैं इस गिटार का। तो दोस्तों, मैंने इस गिटार का अनबॉक्सिंग पहले कर लिया है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अमेज़ॉन से यह गिटार डिलीवरी किया गया है और इसको अमेज़ॉन पे प्रीपेड ऑर्डर किया गया था और ये बिल्कुल सही सही आया है और कोई भी इशू नहीं हुआ है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इस पैकेज के अंदर किस तरह से गिटार को पैकेजिंग किया गया है। ये देखिए दोस्तों, गिटार को एक बबल रैप में दिया गया है, अंदर से और एक प्लास्टिक के पैकेट में दिया गया है दोस्तों। तो देखने में तो गिटार का क्वालिटी ठीक ठाक ही लग रहा है और नेक की बात करें तो नेक बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है मुझे, दोनों तरफ से ही कोई भी बैंड नज़र नहीं आ रहा और गिटार का एक्शन भी सही लग रहा है। और एक अच्छी चीज़ है इस गिटार में ट्रस रॉड एडजस्टेबल पॉइंट भी दिया गया है दोस्तों। और साउंड बॉक्स के अंदर वॉल्ट ईए 20 का ब्रांडिंग भी दिया गया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इस गिटार के साथ क्या क्या एक्सेसरीज प्रोवाइड किया गया है। तो एक बैग दिया गया है और ये देखिए दोस्तों, बजाओ की तरफ से एक थैंक यू कार्ड दिया गया है और हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक 4mm का एलन की। तो अब देख लेते हैं गिटार कवर का क्वालिटी कैसा है। इस कवर का क्वालिटी बहुत ही नॉर्मल है, आपको अलग से एक पैडेड कवर लेना पड़ेगा इस गिटार के लिए, ये तो बस चल जाता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं इस बैग के अंदर और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, एक बेल्ट प्रोवाइड किया गया है, ये भी बहुत नॉर्मल क्वालिटी का ही है। तो और हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर स्ट्रिंग्स प्रोवाइड किया गया है जो कि ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। और हम यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रिंग वाइंडर, ये बहुत कम ही गिटार के साथ प्रोवाइड किया जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो और हम देख सकते हैं कुछ पिक्स प्रोवाइड किया गया है, ये सभी पिक्स अलग अलग mm के हैं, तो यहाँ पर 4 पिक्स प्रोवाइड किया गया है। और एक अच्छी चीज़ दिया गया है दोस्तों, जो कि है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये सभी गिटार के साथ नहीं आता है दोस्तों, तो इससे आप गिटार को बहुत अच्छी तरह से क्लीन रख सकते हैं दोस्तों। तो ये सब एक्सेसरीज इस गिटार के साथ प्रोवाइड किया गया है। तो ये गिटार मेरे स्टूडेंट ने लिया है, इसका नाम है निलॉय। तो थैंक्स टू निलॉय। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस गिटार की क्वालिटी के बारे में। तो ये गिटार दोस्तों बेसिकली बेस वुड का बना हुआ है, ये जो बॉडी है ये लिंडन वुड का है और ये जो नेक है ये मैंने कहीं पे मेंशन नहीं पाया, तो ये मुझे लगता है कि नेट वुड का ही होगा। और जो फ्रेट है ये फ्रेट बोर्ड दोस्तों रोज वुड का ही है और ये जो ब्रिज है ये भी रोज वुड का है। तो बात कर लेते हैं गिटार के हेड के बारे में। तो गिटार का जो हेड है यहाँ पर हम देख सकते हैं डाइकास्ट ट्यूनर दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा ट्यूनर होता है दोस्तों, प्रीमियम गिटार में ये होता है। और बात करें यहाँ पर नट की, तो नट सही पोजीशन पे ही है। और अगर बात करें हम गिटार के एक्शन के बारे में, तो ये जो गिटार का एक्शन है मुझे ये बहुत ही सही लग रहा है दोस्तों। और गिटार का जो साउंड होल है और साउंड बॉक्स है ये भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो अब देखते हैं दोस्तों के गिटार के साउंड क्वालिटी कैसा है, तो चलिए कुछ प्ले करके देखते हैं।
दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये गिटार 4000 में एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी साउंड देता है। इस गिटार का जो साउंड आ रहा है दोस्तों ये बहुत ही स्वीट लग रहा है मुझे। और बात करें स्ट्रिंग के बारे में तो गिटार के स्ट्रिंग भी सही दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये गिटार मेरे स्टूडेंट ने अमेजोन से लिया है। आप इस गिटार को बजाओ ऐप से भी ले सकते हैं दोस्तों, दोनों वेबसाइट पे ही सेम प्राइस होंगे दोस्तों। तो ये गिटार मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ, तो आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो इस गिटार का कंपैरिजन सीधा जाता है केडेंस के फ्रंटियर गिटार के साथ। तो अगर आप ये दोनों गिटार का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।